नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान और ये पाकिस्तान के थे। और पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके से एक न्यूक्लियर पावर देश बन पाया है तो अब्दुल कादिर खान का इसके पीछे बहुत ही बड़ा रोल है। और शायद इसी वजह से अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान का फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम या बॉम्ब भी कहा जाता है। लेकिन किसी टाइम पे अब्दुल कादिर खान इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के भी हिट लिस्ट में थे, यानी मोसाद इनको मारना चाहता था। यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि क्यों अब्दुल कादिर खान को मोसाद मारना चाहता था। इसके पहले कि हम ये समझें कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को मोसाद क्यों मारना चाहता था, इसके पहले कुछ हम बेसिक बातों को या यूं कह ले कि हम कुछ यूनिवर्सल बातों को जान लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं तो कुछ लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं और कुछ के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं। वहीं पे हमारे संबंध जिनके साथ अच्छे नहीं होते हैं वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से नॉर्मली जियोपॉलिटिक्स में भी काम करता है, जहां पे एक देश के संबंध दूसरे देश के साथ अच्छे हैं वहीं पे उस देश के संबंध किसी और के साथ खराब। जहां तक बात किया जाए इसराइल और अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज के बारे में तो हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सभी मुस्लिम कंट्रीज के जो लोग हैं वो इसराइल को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लीडर्स की बात करें, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज के जो लीडर्स के संबंध है उनके इसराइल के साथ अच्छे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ऑफिशियली इसराइल को एज एन कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है और पाकिस्तान एकमात्र पूरे मुस्लिम कंट्रीज में देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। वहीं पे अगर हम बात करें इसराइल और ईरान का तो इनके बीच में भी संबंध काफी खराब है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं ना कहीं इसराइल को ये डर बना रहता है कि कहीं पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना दे दे। इसी बीच अगर हम बात करें तो 1990s कह ले या अर्ली 2000 कह ले, उस वक्त तक जो पाकिस्तान था उसे बहुत बढ़ चढ़कर यूएस और भी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट था, साथ में कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज का भी। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि पाकिस्तान आज के डेट में बैंकक्रप्ट हो गया है, लेकिन ठीक इससे 20-25 साल पहले तक पाकिस्तान सच में एक सिरदर्द था उन सब देशों के लिए जिनके संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे। साथ में अगर बात किया जाए तो साल 2003 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जहां पे यह बताया जाता है कि अब्दुल कादिर खान और इनके जो जूनियर साइंटिस्ट होते हैं ये सब मिलके अफगानिस्तान में अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। जब ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आता है तो कुछ हड़कंप सा मच जाता है, जहां पे पाकिस्तान के ऊपर इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट किया जाता है। एज अ रिजल्ट ये होता है कि साल 2004 से लेकर 2009 तक अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान में ही नजरबंद कर दिया जाता है। इनको फाइनली छोड़ा जाता है साल 2009 में, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर इतना ज्यादा नजर रखा गया था। तो लमसम हम कुछ इस तरीके से समझ लें कि जब तक ये जिंदा थे तब तक इनके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट तरीके से नजर रखा गया था और इनकी फाइनली मौत हो जाती है अक्टूबर 2021 में, जहां पे ये कहा गया कि इनको कोविड हो गया था। अब्दुल कादिर खान जब मरते हैं तब इनका एज कुछ 85 इयर्स के आसपास रहता है और इनका जन्म 1936 इंडिया में होता है, जहां पे इनकी फैमिली 1952 के आसपास पाकिस्तान निकल जाते हैं। इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है कि अब्दुल कादिर खान काफी एक कैपेबल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब्दुल कादिर खान को जो रिस्पेक्ट उम्मीद था पाकिस्तान से उनको वो नहीं मिला। इसी बीच ये अपने अर्ली एज में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में रह के वहां पे काम किए हैं और प्राइमरीली ये उन सब कंपनीज में काम किए थे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करता था। एक तो नॉर्मली हमें ये पता है कि न्यूक्लियर या यूरेनियम से बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा यूरेनियम से और भी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे सिविलियन पर्पस कामों के लिए होता है। तो ओवरऑल अगर कोई भी देश ये चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर कैपेबल देश बने किसी भी तरीके से, मे बी इन वेपन्स या मे बी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो सिविलियन पर्पस में यूज करे, तो उसके लिए बहुत सारे सामानों का अरेंजमेंट होता है या करना पड़ता है। ये किसी भी एक देश की बात नहीं है कि वो सारी चीजों को खुद से मैनेज कर ले। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर नॉर्मली कोई भी देश अगर न्यूक्लियर पावर देश बनना चाहता है तो अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएस वो उस देश को नहीं बनने देते हैं, क्योंकि जब वो देश उस प्रोसेस में होता है तो उसको अलग अलग जगह से इक्विपमेंट्स वगैरह को परचेस करने पड़ते हैं। तो एक बार कोई भी देश अगर यूरेनियम एनरिचमेंट कर लेता है तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना ले। और जहां तक बात किया जाए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में तो अगर किसी भी तरीके से ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो सऊदी अरेबिया दूसरा देश होगा जो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन को अचीव करना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में काफी एक रेस सा हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन लेने के लिए, क्योंकि अब्दुल कादर खान अलग अलग यूरेनियम एनरिचमेंट कंपनीज में काम कर चुके थे, तो इनके पास वो क्षमता था जहां पे ये अपने लोगों को इकट्ठा करते और एक प्रॉपर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बनाया जाता है या एग्जैक्टली यूरेनियम को कैसे एनरिच किया जाता है वेपन्स बनाने के लिए, इनके पास ये क्षमता था। और ये कंफर्म्ड अलग अलग देशों के द्वारा रिपोर्ट है जहां पे ये ईरान के साथ मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियर प्लांट के रिगार्डिंग ये डेटा को शेयर करते हैं, और बकायदा इनके जो जूनियर्स होते हैं वो तेहरान भी जाते हैं, और साथ में नॉर्थ कोरिया को भी अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर वेपन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था। तो इन सभी के ऊपर मोसाद का नजर था, और मोसाद का नजर कुछ इस तरीके से था कि एग्जैक्टली प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इनके बारे में था, इनके मूवमेंट के बारे में था। इसी दौरान क्या होता है कि अलग अलग शेल कंपनीज का फॉर्मेशन किया जाता है सऊदी अरेबिया, दुबई और भी कुछ अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में, ताकि उन सब के मदद से ट्रांजेक्शन किया जाए। तो इसी बीच एक सिचुएशन आता है जहां पे मोसाद ऑलमोस्ट ये तय कर लेता है कि वो अपने हिट स्क्वाड को भेजेगा पाकिस्तान और किसी भी तरीके से अब्दुल कादिर खान को मारेगा। लेकिन किसी भी कारण से अब्दुल कादिर खान को मोसाद के द्वारा नहीं मारा जाता है, और इसराइल अपने अलग अलग तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कमजोर कैसे करता है। तो नॉर्मली आज के डेट में हम सुनते हैं कि किसी भी देश के किसी भी बैंक को हैक कर लिया गया है, तो नॉर्मली जो हैक होता है वो एक प्लान तरीके से किया जाता है जहां पे उस देश के या एग्जैक्टली उस जो कंपनी है उसके सर्वर को हैक किया जाता है और उसके मदद से उसमें वायरस इंजेक्ट किया जाता है। तो एक समय आया था जहां पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसराइल हैक कर लेता है और उसमें वायरस को भेज देता है, तो उसके कारण क्या होता है कि ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। आज के डेट में यूएस की बात कर ले तो वो एक हद के बाद कभी नॉर्थ कोरिया को पुश नहीं करता है, हालांकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शन लगा दिया गया है कि यहां के जो आम जनता है वो तबाह बर्बाद है, लेकिन उसके बावजूद जो इसके लीडर है यानी कि किम जोंग उन, उसको टच नहीं करता है यूएस या और भी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज। उसके पीछे का वजह है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, और यूं कह ले कि नॉर्थ कोरिया के पास वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन है, और ये मोस्ट एडवांस तक का जो सफर था इसको अब्दुल कादिर खान ने सपोर्ट किया था वहां तक पहुंचने के लिए। और जिस हिसाब से नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, कहीं ना कहीं चाइना इसको लेके थोड़ा सा चिंतित रहता है, और इनिशियल डेज में नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर कैपेबल देश बनाने के लिए यूएसएसआर ने खूब सपोर्ट किया था। और वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान को भी चाइना ने सपोर्ट किया था, और सम अराउंड 1979 के आसपास यूएस को यह कंफर्म मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन यूएस उसको उस वक्त नहीं रोकता है। नॉर्मली किसी भी देश को कोई भी चीज अचीव करने के लिए रोकना है तो आप नॉर्मली उन सब देशों के ऊपर या उन सब कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दें जो कंपनीज उस देश को सामान सप्लाई कर रहे हैं। इसी बीच ईरान के जो साइंटिस्ट थे, खास करके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको बहुत ही टारगेटेड तरीके से मोसाद ने मारा है बीते कुछ सालों में, और वो सारे कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कोई देश के लिए जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है वो एजुकेशन में होता है। तो अगर ईरान के पास साइंटिस्ट ही नहीं रहेगा तो ईरान किसी भी तरीके से तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा तो किसी भी तरीके से वो इसराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा। और जहां तक बात किया जाए मोहसिन के बारे में, तो इनको बहुत ही अजीबोगरीब तरीका से मारा गया था, जहां पे इनकी गाड़ी रास्ते से आ रहे थे और बगल में एक गाड़ी पार्क थी और उस गाड़ी के अंदर से फायर किया जाता है, और वो जो फायर था वो एक रोबोट करता है, और कुछ देर के बाद वो जो गाड़ी था जिससे कि फायर किया गया था वो गाड़ी भी फिर ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मोर और लेस हर वक्त जो मोसाद तरीका आजमाता है किसी को मारने का वो यूनिक रहता है, ताकि इसके बारे में पहले से एंटिसिपेट ना किया जा सके। और भले आपको इसराइल पसंद हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसराइल का मोसाद एक काफी कैपेबल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो किसी भी देश के अंदर घुस के अपने टारगेट को हिट करते हैं और सक्सेसफुली निकल जाते हैं। और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मोसाद को आपके देश में कदम रखने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके देश में उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके संबंध लीडर्स के साथ अच्छे नहीं है, और सारे लॉजिस्टिक सप्लाई किए जाते हैं उनको, और उनके
उनके ही हाथ से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो अगर हम नॉर्मली इसको समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से था कि ईरान किसी भी कीमत से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव करना चाहता था, जिसके बारे में इसराइल को मालूम पड़ गया था। तो इसराइल उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था जो ईरान को सपोर्ट कर रहा था। तो इस बीच ये हो सकता है कि अब्दुल कादिर खान को भी टारगेट में लिया गया हो, या और भी अलग अलग साइंटिस्ट को टारगेट पे लिया गया हो, और साथ में उन सब कंपनीज को भी आइडेंटिफाई किया गया हो जो किसी भी तरीके से ईरान को सपोर्ट करता है। इन सब में से अगर आप 20% लोगों को भी अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो किसी भी देश का जो प्रोग्राम है वो हॉल्ट पे हो जाता है। और जहां तक बात किया जाए अब्दुल कादिर खान के बारे में, तो ना सिर्फ अब्दुल कादिर खान नॉर्थ कोरिया या ईरान को सपोर्ट किए थे न्यूक्लियर प्रोग्राम में, बल्कि ये किसी टाइम पे लीबिया के जो डिक्टेटर थे मुअम्मर गद्दाफी, उनको भी सपोर्ट किए थे। और लीबिया में गद्दाफी का जो सत्ता है वो अक्टूबर 2011 को खत्म हो जाता है। जहां तक बात किया जाए लीबिया के बारे में, तो लीबिया के पास भर भर के तेल है, और आज के डेट में मोर और लेस जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो यूएस कंट्रोल कर रहा। तो जब तख्ता पलट लीबिया में हुआ था साल 2011 के अक्टूबर के महीने में, तो उस वक्त यूएस और भी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज ने उन सब लीडर्स को आइडेंटिफाई किया था जिनके संबंध गद्दाफी के साथ अच्छे नहीं थे। तो अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो जो पढ़े लिखे तबके होते हैं वो किसी भी देश के एसेट होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना उस देश की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे आप हो सकता है आप इसराइल को सपोर्ट करें या पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ये आपकी मर्जी है, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव के ऊपर। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।